बालाघाट लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी का बड़ा नेता पूरी ताकत के साथ लग गया है। लगातार पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा प्रत्याशी की जीत के लिए प्रयत्नशील दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में वाराचुनी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव के लिए महज 10 दिनों की समय अवधि बताते हुए कार्यकर्ताओं से समय दान का आह्वान किया। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि वह लोगों से मिले तो उन्हें प्रधानमंत्री की राम राम कहे। उन्होंने कहा कि आज 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पोलिंग बूथ से मनाया जाएगा और कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पार्टी में शामिल होने का आग्रह किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में अब कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना नीति तथा नियत है। उन्होंने कहा कि आगामी 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी की बालाघाट पे सभा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे इसका आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह बालाघाट के विकास से संतुष्ट हैं। यहाँ के विधायकों और सांसद ने काम किया है, एक बार फिर देश में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, जिससे बालाघाट के विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल विकास विकास और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जारी है। उन्होंने कहा कि बालाघाट में महिला प्रत्याशी देकर भाजपा ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। जिले का एक सामान्य कार्यकर्ता लोकसभा में जाएगा, यह भाजपा में ही संभव है कि यहाँ मजदूर का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। NBC News के लिए बालाघाट से आशीष भगत की रिपोर्ट।